कराची में जमहूरी इस्लामी ईरान के कौंसल खाने में इनकलाब इस्लामी ईरान की कामयाबी की 45वीं सालगिरह के हवाले से एक बावकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चीन, रूस, कतर, ओमान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका के कौंसल जनरल्स के अलावा मारूफ सियासी, समाजी और मीडिया से वाबस्ता अफराद के अलावा कराची में मुकीम ईरानी शहरियों ने बड़ी जोश व खरोश से शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबह सिंध के निगरा वजीर सयाद अरशद वली भी मौजूद थे। इस तकरीब से खिताब करते हुए कराची में ईरान के कौंसल जनरल हसन नूरियान ने इस्तकबालिया खुतबे में तमाम मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहते हुए इनकलाबी इस्लामी ईरान की 45वीं सालगिरह की मुनासबत से मुबारकबाद दी और कहा कि मिल्लत ईरान ने आज से 45 बरस कबल इस्तेमाली ताकतों को सरजमीन ईरान और वहाँ के कुदरती जखायर से दूर भगा दिया और आज इसी इनकलाब की हिफाजत व पेशरफ के लिए जंगों, पाबंदियों और दहशतगर्दी जैसे चैलेंज से मुकाबला कर रही है। ईरान के कौंसल जनरल ने पाकिस्तान और ईरान के 76 साल तारीखी, सकाफती और तजारती रवाबित पर रोशनी डालते हुए कहा, हम बड़े फख्र से कहते हैं कि ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सबसे पहले इसे तस्लीम किया और महज 45 दिन बाद कराची में अपना सिफारतखाना कायम कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हम उन्हीं मुश्किलात की बिना पर दहशतगर्दी के सामने मुश्तरका तौर पर एक बंद बांध सकते हैं और खित्ते में अमन अमान कायम करने का सामान कर सकते हैं। तकरीब में सिंध के निगरा वजीर सयाद अरशद वली ने भी खिताब किया और इनकलाबी इस्लामी की सालगिरह के हवाले से मिल्लत ईरान को मुबारकबाद पेश करते हुए अपने दिली जज्बात व एहसास का इजहार किया। तकरीब के आखिर में ईरान के कौंसल जनरल की तरफ से ऐसे अफराद को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया जो किसी भी तरह ईरान व पाकिस्तान के रवाबित में इस्तेकाम लाने की राह में कोशा हैं। अदनान सिद्दीकी, कराची।